कंप्लीट डू रिकॉर्ड, ठीक है? चलिए, वेलकम ऑल, हमारी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है सबका जो आज पहली बार जुड़ रहे हैं, और जो ऑलरेडी हैं उनका तो है ही, वो तो हमारे एक फैमिली मेंबर जैसे बन चुके हैं, राइट? यस है ना? मैम, और जो आज पहली बार हमसे जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है आज के वेबिनार में, जो लामा फेरा है, लामा फेरा फर्स्ट सेकंड लेवल, और आप सबके लिए एक और नया एडवांस लामा फेरा वास्तु एनर्जी हीलिंग लेकर आई हूं मैं। थोड़ा सा डिटेल्ड वास्तु है इसमें, विथ एनर्जीज आप हील कर सकते हो, ठीक है? सो जैसे हमारी प्रथा है, एकेडमी की प्रथा है, ये इंस्टीट्यूट जो नए आज जुड़े हैं, आप लोग बता सकते हैं आज पहली बार कौन अटेंड कर रहा है? हमारी एकेडमी में ही पहली बार कौन आया है? सो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। फर्स्ट टाइम इन द एकेडमी एनरोलमेंट फॉर दिस प्री वेबिनार, ओके, लक्ष्मी एम, ओके, मोस्ट वेलकम लक्ष्मी जी। और बताएंगे, और कोई है? यू कैन रेज योर हैंड्स। कैमिलिया, ओके, ग्रेट, वेलकम। संदीप, राइट, पठानिया, हाँ जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। दिलेश्वर पांडे जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, वेरी नाइस। चलिए, तो जैसे कि हमारी परंपरा है, एकेडमी की परंपरा है, गुरुजी ज्ञान जो हमारी एकेडमी है, ट्रस्ट है, उसकी एक परंपरा है कि हम सबसे पहले अपने गुरु को याद करते हैं, ठीक है? तो मैं अपना शेयर करूंगी स्क्रीन, आई होप आप सभी लोग मेरे साथ हैं। सो हम सबसे पहले एक प्रेयर करेंगे। सो विथ योर परमिशन आई वुड लाइक टू शेयर माई स्क्रीन। सबसे पहले गुरु को याद करेंगे, ठीक है? हाथ जोड़ लेंगे। ओम गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षः शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिः रोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वः शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओ शांति शांति शांति। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सभी विधि हो कल्याण। आप सबको मेरी नमस्ते। चलिए, दैट्स ग्रेट। मैं अपने आप को पिन कर देती हूँ, ठीक है? ताकि स्पॉटलाइट। नाउ दिस इज ओके, सबको दिख रहा है स्पॉटलाइट पे? ग्रेट ग्रेट। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं लामा फेरा से। आप लोग वही जानने आए हैं, है ना? सो अगेन विथ योर परमिशन आई एम स्टार्टिंग माई स्क्रीन। सबको स्क्रीन दिख रहा होगा? तो
गुरुजी ज्ञान अकेडमी जो है हमारी ओकल साइंस की अकेडमी है, एक ट्रस्ट है जो आचार्य राजीव गोयल और आचार्य पूनम गोयल जी ने स्टार्ट किया है। ये दिल्ली बेस्ड है और हम उनमें से इनकी एक फैकल्टी है, जो आप नीचे फोटो देख रहे हैं उसमें से चार फैकल्टी सर के साथ हमारा फोटो है। सो आज जो आप लोग सीखने वाले हैं वो है लामा फेरा प्लस लामा फेरा के एडवांस लेवल, मतलब फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, और लामा फेरा का एडवांस लेवल जो वास्तु एनर्जी हीलिंग पे बेस्ड है। मैं जब आपको इसका कोर्स कंटेंट बताऊंगी तब आपको क्लिक होगा या आप समझ पाएंगे कि मैंने इसको एडवांस वास्तु एनर्जी हीलिंग में क्यों कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो मैं पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना चाहूंगी। मेरा नाम अंशु अग्रवाल है, मैं मास्टर लामा फेरा हुंकारा विथ हलीम, योग माया, शाल्वेक, ग्रैंड मास्टरशिप और इसके अलावा एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ, सोल रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, ये सब मेरे फोर्टेज हैं। बेसिकली मैं एक कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और इंटीरियर डिजाइनर हूँ। मेरा बिजनेस है वो एक जिसको कहते हैं ना प्रोफेशन, सो इंटीरियर्स का कंप्लीट, और ये मेरा पैशन है जो मैं आप लोगों के सामने यहाँ बैठी हूँ। सो दिस इज व्हाट आई डू बेसिकली अपार्ट फ्रॉम माय अदर प्रोफेशन। ओके, सो लामा फेरा एक ऐसी पद्धति है जो मेरी जब लाइफ में आई तो मुझे पता नहीं चला, बस करना है इसलिए कर लिया। जैसे हो सकता है आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने करना था इसलिए किया है, और या जो करना चाहते हैं कॉलिंग सी आई है इसीलिए कर रहे हैं, बस ऐसे ही है ना, कोई पर्पस नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसी तरह से मेरी लाइफ में भी ये इसी तरह से आया। क्यों? क्योंकि मैं कुछ प्रॉब्लम से गुजर रही थी, कुछ क्वेश्चंस मेरे मन में थे, जैसे बहुत सारे कि मेरा पाथ क्या है लाइफ का, सिर्फ वही है सुबह उठना है, अपनी डेली रूटीन की लाइफ को लेना है, फिर बस पूरा दिन निकाल दिया और रात को जाके सो गए, अगले दिन फिर वही रूटीन, है ना, बहुत मोनोटोनस हो जाता है, राइट, होता है ना ऐसे। तो कभी कभी हमें इससे बाहर आने का मन होता है कि भाई ये सब चीजें जो चल रही हैं उससे हमें थोड़ा सा अपने आप को बाहर लेकर, ठीक है। फिर कुछ पैटर्न्स होते हैं, रिकरिंग पैटर्न्स, कैसे, फॉर एग्जाम्पल जब हम जैसे सुबह उठना है ना, पता है बच्चे को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, खाना बनाना है, आपके अपने आप एक टाइम पर नींद खुल जाएगी और आपको एक एंजाइटी शुरू हो जाएगी टाइम देखकर कि मुझे ये काम सारे करने हैं, होता है ना। ऑफिस जाने वालों को एक टाइम देखकर एक एंजाइटी शुरू होती है, अरे टाइम हो गया जल्दी जल्दी करो काम निपटाओ, भले ही आपकी बॉडी आपको अलाउ करे या ना करे, उस दिन आपका उठने का मन करे या ना करे। ये रही फीमेल्स की बात, सेम फॉर मेल्स ऑल्सो। कोई प्रोजेक्ट आ गया, या कभी कभी मेल्स भी ऐसा नहीं है कि घर के काम नहीं करते, बच्चों को कभी कभी ड्रॉप भी करते हैं स्कूल बस तक या स्कूल तक, तो वो एक एंजाइटी जो पैनिक आता है वो रिकरिंग हो जाता है, कभी कभी पैटर्न्स आ जाते हैं उसके अंदर और फिर वो ट्रिगर्स में बदल जाते, कि अगर टाइम बजा, अगर भले ही संडे है ना, और आपको पता है कि 8 बजे आपको बस पे छोड़ना है बच्चे को या 8 बजे तक बच्चे को घर से भेजना है, संडे होगा आप सो रहे होंगे, आप रेस्ट कर रहे होंगे या किसी और मोड में होंगे, लेकिन 8 बजे आपको सेम एंजाइटी शुरू हो जाएगी, होता है, कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है ना। तो ये क्या है, ये पैटर्न्स हैं जो हमारी लाइफ में आ जाते हैं, हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाते हैं, ठीक है। तो अब इन पैटर्न्स को भी तो तोड़ना जरूरी है, लेकिन उसके रास्ते भी नहीं पता और इतनी सारी मोडेलिटीज हैं, कौन सी चूज करें, कैसे ये सब चीजों से बाहर आए ये भी नहीं पता। फिर सेकेंडली कभी कभी ऐसा मन करता है कि कोई एक गाइड हो हमारे पास, कोई एक ऐसा मेंटोर हो या कुछ ऐसी चीज हो हमारे पास जो हमें लाइफ के उस पाथ पर गाइड करे जहां पर हम स्ट्रेस फ्री रह सके, है ना, और अपने गोल्स को अचीव कर सके, एक हैप्पीनेस की जो फीलिंग रहती है ना लाइफ में उसको अचीव कर सके, वो चाहे किसी भी एरिया में हो।
चाहे वो रिलेशनशिप में हो, फाइनेंसेस में हो, चाहे आपके करियर में ही क्यों ना हो। हाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी हेल्थ में, क्योंकि वो सबसे लास्ट पार्ट होता है जिसपे हम ध्यान देते हैं, राइट। और फिर एक चीज होती है कि एक एज के बाद जब हम ये सब चीजों से थोड़ा सा तंग हो जाते हैं, या ये कहें कि अब बहुत ज्यादा हो गया, तो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है लाइफ में जब आप अपने आप को देखोगे कि आप थोड़े से स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो गए। आप जानना चाहते हो कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ या क्यों आया हूँ। होता है ना, मन में आती है ना ये क्वेश्चन कि व्हाई आई एम बॉर्न, क्या पर्पस है मेरी लाइफ का, मेरा पाथ क्या है, ऐसे क्या कर्म हैं जो मुझे पूरे करने हैं। ये क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कितनी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि फिर वापस हम उसी सराउंडिंग में फंस के रह जाते। अल्टीमेटली तो यही होता है, राइट। तो इन पैटर्न्स को तोड़ना, इन चीजों को समझना कि आपका लाइफ पाथ क्या है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को कैसे आपको अटेन करना है, कौन से रास्तों पर चलना है, किसी का म्यूट हुआ है क्या? एक सेकेंड मुझे होल्ड है करेंगे। हाँ मैं ये यूजिंग दो ही बार यूज कर रही पॉट हूँ। पॉक करो पॉट पॉक व्हाट फॉर शॉपिंग में साथ होना कर दो, क्योंकि उससे नहीं ऐसी कम रेडी वो तो जब कर। किया था ना, जब आदित के साथ गई थी कहाँ गई थी? भोपाल में तो क्या था, नहीं नहीं अभी आदित सुहास के साथ गई थी ना लखनऊ में, जब 5,000 रुपये लिए थे सुहास से। अभी किया किसी का था ऑडियो ऑन है, प्लीज आप उसमें, म्यूट तुम्हारे कर लें उसमें थोड़ी अपने आप मना किया को, था, इट तुम्हारे डजंट लुक गुड। उसमें नहीं थे, तुमने आचार्य महेश अपना जी, पूछा ही नहीं था। नहीं हाँ जी, तुम्हारा गाड़ी को परसेप्शन अलग ही रहता है यार, अब क्या करोगे उसको, तुम भी कुछ नहीं कर सकती ना। आचार्य महेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरे आपने क्या इट्स ओके, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए और कुछ नहीं। चलिए, तो वेर आई वॉज, हाँ जी, तो एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है हमारी सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ ग्रोथ के लिए स्पिरिचुअली, ठीक है, लेकिन हमें रास्ता नहीं पता, हम भटकते रहते हैं, ये मोडेलिटी सीख ली, वो मोडेलिटी सीख ली, लेकिन जो एक्चुअल सोर्स है हम उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। और फिर कई लोग कहते हैं कि हमने इतना सब कुछ सीखा है, लेकिन उसके बाद भी हमें ऐसा लगता है कुछ कम है, हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है। अल्टीमेटली हम वहीं फंस के रह जाते हैं, उसी मिथ्या में फंस के रह जाते हैं, उसी मोह माया में फंस के रह जाते हैं। और फिर थोड़े दिनों बाद फिर से वो जागृत होता है स्पिरिचुअल का अवेयरनेस कि अरे हम तो वहीं की वहीं रह गए, हमने कुछ किया ही नहीं, है ना। होता है ना, सभी के साथ होता है, ठीक है। आपकी लाइफ में जब भी ट्रांजिशन पीरियड्स आते हैं, तब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ या फिर फैमिली लाइफ की तरफ इंक्लाइन होते। अब आप सोचो, क्या ये जरूरी है कि हमें कोई भी एक पैटर्न या एक लाइफ का पाथ अपना छोड़ना पड़े दूसरे पाथ पे जाने के लिए? इज इट नेसेसरी? क्योंकि एक बार आपने शादी कर ली, बच्चे हो गए, फैमिली है, ऑब्वियसली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, राइट। लेकिन एक कॉलिंग आ रही है बार बार, स्पिरिचुअल ग्रोथ की, सेल्फ अवेयरनेस की, मेडिटेशंस करने हैं,
बहुत कॉमन है। मेडिटेशन वर्ड आजकल इतना कॉमन हो गया है कि उसके पीछे का जो एसेंस था, जो बेस था, जिस वजह से मेडिटेशन किए जाते थे, वो कहीं खो गया, राइट? है ना? तो ये सब चीजों में एक बैलेंस बनाने की जरूरत है हमको, राइट? उसी के ऊपर तो हमारा ये सब चीजें पहले वो होती है, बेस बनाती है हमारा, और वही हमारे कर्मास को भी मोड़ देती है। अगर आपको आपका पाथ पता है और आप बैलेंस बनाना जानते हो, तो क्या आप अपने कर्मास को कंट्रोल नहीं कर पाओगे? जरा सोच के देखिए। और कर्मास को ठीक करने के लिए तो हम इस धरती पर आए हैं, पैदा हुए हैं, सब जन्म लिया है ना? कहते हैं ना, पिछले जन्म में पता नहीं क्या कर्म किए थे। कितने लोगों के मुंह से ये डायलॉग आते हैं? आते हैं? क्यों आते हैं? क्योंकि आप भी ये अच्छी तरीके से जानते हो कि पिछला जन्म था और ये जन्म है, और अगर हमने ये कर्म कर्म जो है हमारे पिछले जन्म के हों या किसी भी जन्म के हों, और इस जन्म के भी इकट्ठे कर लें, तो पता नहीं अगला जन्म कैसा हो, किसी को नहीं पता। इवन अगले पल के बारे में किसी को नहीं पता। एनर्जी हीलिंग्स के थ्रू आप थोड़ा बहुत जान पाते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि आप आज भी कर्म कर रहे हैं, उसका रिप्रिकेशन क्या होगा कल आपको नहीं पता, राइट? तो अब इन सब चीजों से कैसे अपने रास्ते निकाले जाए, तो बहुत ही सुंदर एक बुद्धा, उनकी स्टोरी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी, लेकिन इन दोनों चीजों का एक बैलेंस होता है ना, जो वो भगवान बुद्ध, भगवान पुत्र बुद्ध ने समझाया है, जिसको वो कहते हैं मिडवे, बीच का रास्ता। आप अपनी फैमिली लाइफ में भी रह सकते हो और अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ भी इंडिविजुअल कर सकते हो। कितना अच्छा थॉट है, राइट? है ना? तो आप लोग रेडी हैं थोड़ा बहुत लामा फेरा के बारे में जानने के लिए, कि किस तरह से लामा फेरा हमारी लाइफ में एक बैलेंस लेके आता है, एक बीच का रास्ता हमको दिखाता है, जिस पर चलकर हम अपनी दोनों जो चीजें हैं, दोनों इच्छाएं हैं, एक फैमिली लाइफ की भी और एक हमारी स्पिरिचुअल पर्सनल ग्रोथ की भी, इनको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। आर यू ऑल रेडी? तो मैं उससे पहले आप लोगों को, ऑब्वियसली आप लोग काफी लोग जानते ही हैं भगवान बुद्ध के बारे में। एक्चुअली उनको भगवान पुत्र बुद्ध कहा जाता है, वो भगवान के पुत्र हैं, ठीक है? लेकिन एक टाइम के बाद जब आप भगवान के पुत्र होते हो और आप उसी पथ पे चल रहे हो, नो डिविएशंस, तो आप भी भगवान ही हो जाते हो। भगवान का अर्थ क्या है? पांचों एलिमेंट्स का बैलेंस भगवान है, राइट? और जैसे कि आप सभी जानते हो, मेन तो तीन ही भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, बाकी तो सभी देवता हैं, है ना? देवी देवता ही कहे जाते हैं, भगवान तो तीन ही है। तो बैलेंस कहाँ है? वहां पर। तीन बैलेंस जो होते हैं हमारे, जो आप लोगों ने सुना होगा, सत्व, रजस और तमस गुण, इनका जो बैलेंस है वही भगवान है। पांचों तत्वों का जो बैलेंस है वही भगवान है। भ ग व आ और ना, भ से भू, ग से गगन, ठीक है, व से वायु, आ से अग्नि और न से नीर। ये पांच एलिमेंट्स होते हैं जिससे हम बने हैं और सारा जगत बना हुआ है। इनका बैलेंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वही भगवान, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को गौतम बुद्ध के बारे में जरूर बताना चाहूंगी। आप लोगों में से कई लोग जानते भी हैं कि उनकी ये जर्नी कैसे हुई। ये जानना देखिए इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि जब आप लामा फेरा सीख रहे हैं, तो लामा फेरा जो है वो भगवान बुद्ध जो है उनकी एक पद्धति थी, जिससे वो दूसरों को हील करते थे, उनको मिड वे में लेकर आते थे, कईयों को मोक्ष देते थे, और जिनका कर्म पूरा नहीं हुआ है उनको एक एनलाइटमेंट और एक अवेयरनेस देते थे कि तुमको अभी और जीना है और इस तरह से अपनी जिंदगी को काटना, ठीक है? तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्होंने, उनको ये जो एनलाइटमेंट हुई वो कैसे हुई और क्यों हुई, ठीक है?
तो ये एक नेपाल में जो तब लुम्बिनी कहा जाता था, वहां पर एक प्रिंस के रूप में किंग शुद्धोधन और क्वीन जो थी रानी माया के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया। ठीक है, आपको उनका पूरा डिटेल बता देती हूँ। ये शाक्या क्लैन को बिलोंग करते थे लुम्बिनी में 563 BC बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, इनकी शादी 16 साल की उम्र में हो गई थी। अब इनकी जी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जब इनकी शादी हुई, सॉरी जब इनका जन्म हुआ, तो जब जैसे होता है ना कि राजा के घर में बच्चा पैदा हुआ है तो सारे ऋषि मुनि सब आशीर्वाद देने जाते हैं, तो इनकी पत्रिका देखी हो, देखी तो कहा कि या तो ये बहुत ही यशस्वी राजा बनेगा या फिर ये सब कुछ छोड़ के बहुत बड़ा तपस्वी बनेगा। अब पिता तो पिता ही होते हैं और वो भी राजा, तो उनको ये कैसे सहन हो जाता। तो उन्होंने उनकी परवरिश महल की चार दीवारियों में ही करी, उनकी पूरी शिक्षा वहीं हुई, सब कुछ वहीं हुआ। 16 साल की उम्र में शादी कर दी कि ये बंधा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। उनको महल से बाहर जाने की इजाजत भी नहीं थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि लेकिन वो कहते हैं ना, कॉलिंग तो होती है, आप चाहे कहीं भी हो, कुछ भी हो, शादी भी हो गई, बेटा भी हो गया। उसके बाद उन्होंने अपने सारथी जो उनका रथ वाला था, एक्चुअली कहाँ से ये शुरू हुआ कि एक दिन वो अपने बगीचे में घूम रहे थे और एक पक्षी आके गिरा, उसको तीर लगा हुआ था, उन्होंने उसका तीर निकाला और वहां जो मिट्टी थी उससे लेप कर दिया और वो थोड़ी देर में ठीक होके चला गया। तो उनको एक वहां से उनके मन में क्वेश्चंस आने शुरू हो गए कि ये कैसे हो गया, ये क्या एनर्जी है कि मिट्टी में इतनी पावर है कि वो किसी को भी ठीक कर सकती है, उसका खून बंद हो गया, वो हील हो गया और वो उड़ गया वापस। तो एक होता है ना, कोई भी एक पॉइंट चाहिए होता है, या ये कहें कि एक हमारा जो थ्रेशोल्ड होता है उस पे सिर्फ एक कदम रखने की देर होती है, तब हमारी इंक्विस्टिक जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं वो जागृत हो जाती है। वही हुआ उनके साथ। अब वो ये सब सोचने लगे ये कैसे होता है, क्या होता है। तो उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि मैं महल के बाहर जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ अपने लोगों को। लेकिन राजा ने बहुत मुश्किल से उनको राजी, मतलब हाँ बोला। लेकिन पूरे गांव में, पूरे सिटी में सॉरी, ये कहलवा दिया गया कि कोई भी दुख तकलीफ उनके सामने ना आए, किसी भी तरह की कोई सफरिंग सामने ना आए उनके। उनका सारथी जो चन्ना नाम था जिसका, उसको ये सख्त हिदायत दी गई थी कि किसी भी तरह की सफरिंग के बारे में इनको पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, अब ये गए बाहर घूमने गए, तो इन्होंने सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी देखा, वो अपनी झोपड़ी के बाहर लेटा हुआ था अपनी उस पे। उन्होंने कहा ये कौन है, क्योंकि उन्होंने अभी तक ये सब चीजें देखी नहीं थी, उन्होंने महल के सिर्फ और सिर्फ आराम देखे थे। ठीक है, तो बताया कि ये लाइफ और डेथ का वो होता है, इसमें पहले बच्चा, फिर जवान और फिर बूढ़ा होता है इंसान और फिर मर जाता। तो उनको समझ तो कुछ आया नहीं, बस सुन लिया। आगे चले तो उन्होंने फिर डेड बॉडी देखी। अब डेड बॉडी देखकर उन्होंने बोला ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा जैसे वो आदमी बूढ़ा हुआ उसके बाद वो मरेगा, तो जब वो मरेगा तो उसको इस तरह से ले जाया जाता है और उसकी उसके शरीर को जला दिया जाता है। तो बोले जला दिया मर गया का क्या मतलब, बोले उसका मतलब उसकी आत्मा जो है उसके शरीर को छोड़ के चली गई। वो एक क्वेश्चन उनके दिमाग में बैठ गया। आगे चले तो एक बहुत ही बीमार आदमी दिखा, कुबड़ा दिखा, जो लाठी लेके चल रहा था। अब जब उसको देखा तो बोले ये कौन है, बोले ये अपने कर्मों को भोग रहा है, जो कर्म है उनको भोग रहा है इसलिए बीमार है। ठीक है, फिर आगे चले तो एक सन्यासी दिखा, अब बोले ये कौन है, उसके आगे बहुत सारे लोग बैठे थे प्रवचन सुन रहे थे। तो बोले ये जो पूरी जिंदगी होती है, बच्चा पैदा होता है और मरता है, उसके बीच में जो लाइफ होती है उसको किस तरह से जीना है ये उसकी शिक्षा दे रहे हैं, ताकि आपके कर्म जो बुरे कर्म है वो आप उनसे दूर हो सको। ये भी उन्होंने सुन लिया। अब ये सारी बातें उनके दिमाग में जैसे कहते हैं ना, एक एंकर की तरह अटक गई।
वो इन चीजों के ऊपर सोचने लगे, बहुत सोचा बहुत सोचा, समझ नहीं आया। अब शादीशुदा भी थे, वाइफ का नाम यशोधरा, सन का नाम राहुल, बस यही इतना, मतलब आप सोचो उनकी कैसी जर्नी रही होगी कि 29 ईयर्स तक के जब वो हुए, तब तक उनके दिमाग में इतने क्वेश्चंस हो गए थे कि उनसे सहा नहीं गया। एक रात को वो अपना घर छोड़ के चले गए, सारे जो उनके आभूषण थे, जो राजसी वस्त्र थे, सब छोड़ दिए। एक गमछा लिया भगवे रंग का, एक पोटली ली और निकल गए घर से बाहर, सब कुछ सारी ज्वेलरी वहीं छोड़ के। और बस उसके बाद उनका जो सेल्फ अवेयरनेस का और एनलाइटमेंट का सफर है वो शुरू। ठीक है, तो ये है कहानी कि आप, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने त्याग दिया। देखिए यहाँ ये चीज समझने की बहुत जरूरत है। मैंने अभी आप लोगों को कहा कि अगर आपको कोई दूसरा पाथ लेना है तो आपको एक लाइफ अपनी छोड़नी पड़ेगी दूसरे पे जाने के। उन्होंने वही किया शुरू, ठीक है, लेकिन अब वो वापस इसको बैलेंस कैसे किया उन्होंने, ये भी मैं आपको बताती हूँ। हम कहते हैं जो सन्यासी होता है वो जंगलों में चला जाता है, मेडिटेशंस करता है, ध्यान में रहता है, आराधना करता है ना, यही होता है ना। आप लोग, आई होप सो आप सब लोग सुन रहे हैं, और क्योंकि सबके वीडियोस बंद हैं सो मैं बता भी नहीं पाऊंगी कि कौन, तो यस मैम, सुन रही हूँ, सुन थोड़ा वीडियोस ऑन कीजिए ना, खाना बना रहे हैं क्या सब? रहे हैं मैम। या नहीं, इवनिंग टी, सुन रहे इवनिंग हैं। टी ले रहे हैं, मेरे लिए भी भिजवा दो। ऐसा गुड इवनिंग, नाइस चलिए, स्टोरी लिसनिंग। बिल्कुल, ये तो मेन वही हाँ है कहानी की, एनलाइटमेंट कैसे मिलता है। देखिए बहुत जरूरी है ये जानना, मैंने क्या बोला, हर चीज का सोर्स पता होना बहुत जरूरी है। यस अब उनकी जो एक कहानी है वो एक शॉर्ट में ही मैं यहाँ बताऊंगी, जो पूरी स्टोरी है, बहुत डीप स्टोरी जो है वो मैं आपको कोर्स में बताऊंगी, जहां पर हम पूरा फुल एक 1.5-2 घंटे का उनका पूरा लाइफ हिस्ट्री देखेंगे। हाँ ठीक है कमिला, आई होप सो, आई एम कैमिलिया, सॉरी। ठीक है, अब उन्होंने जब घर छोड़ दिया एनलाइटमेंट के लिए, भटकते रहे इधर उधर, उसके बाद उन्होंने उन्होंने देखा, मतलब वो जा रहे थे जंगल में, तो 5 ऐसे ही जैसे इच्छुक होते हैं ना, जो इंट्यूटिव सॉरी इंक्विस्टिक लोग होते हैं, जो थोड़ा स्पिरिचुअली अवेयरनेस के लिए थोड़ा बहुत ज्यादा उनके मन में होती हैं बातें, उन्होंने देखा अरे ये तो एक बहुत पहुंचा हुआ सा साधु दिख रहा है, तो उन्होंने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। अब जब फॉलो करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि ये तो पेड़ के नीचे बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, और तो उन्होंने उनकी सेवा शुरू कर दी कि इनसे भी हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो ही जाएगा। अब क्या हुआ, 6 साल हो गए ये सब करते हुए, एक दिन वहां से एक विलेज गर्ल निकल रही थी सुजाता नाम की, उसने देखा ये पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे हुए हैं, बिल्कुल इनके बिल्कुल बोन्स बाहर दिख रही हैं, स्किन तो है ही नहीं, एकदम दुबले पतले से गड्ढे हुए हैं गालों में, पेट अंदर की तरफ है और बड़ी जीर्ण शीर्ण हालत में बैठे हुए। तो उसके पास खीर थी जो प्रसाद की थी, और दूध का एक गिलास था, उसने उनको वो ऑफर किया। तो अब वो बैठे थे किसी और चीज की सीख करने के लिए, मतलब नॉलेज को सीख करना, एनलाइटमेंट को, या वो जो क्वेश्चंस उनके मन में थे उनके आंसर्स ढूंढने बैठे थे। अब वो तो नहीं मिल रहे थे लेकिन वो बैठे हुए थे। तो जब इस लड़की ने उनको ये सब ऑफर किया, उनको हिलाया, उनको खाना खाने को दिया, तो अचानक से उनको ऐसा लगा कि कुछ अलग हो रहा है। उन्होंने वो खीर खा ली, उन्होंने वो जो दूध का वो था वो भी पान कर लिया, अचानक से उनको एनर्जी फील होने लगी, उनको अच्छा लगा, हैप्पीनेस की फीलिंग आई। तब उन्होंने ये चीज सोची कि मैं इतने टाइम से, इतने वक्त से पेड़ के नीचे बैठ के साधना कर रहा हूं, लेकिन मुझे किसी भी क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं मिला, कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैंने जन्म लिया है तो मुझे शरीर को भी चलाना है और इसकी जो जरूरतें हैं वो भी पूरी करनी है, जो मेरे कर्म है वो अभी भी हैं, बचे हुए हैं इन सब चीजों को पूरा करने के लिए। तो वो उठे, पास में एक नदी बह रही थी, वहां नहाए धोए, अच्छे स्वच्छ कपड़े पहने और
एक पात्र जो उनके पास था, उन्होंने ये सोच लिया कि अब बस जो भी इसमें आएगा, जिसको हम कहते हैं ना उनका जो वो है भिक्षाम देही, तो वो वहीं से ये भिक्षाम देही का शब्द शुरू हुआ कि उन्होंने वो पात्र लेके जाते थे गांव में, जो भी पहले घर से जिस भी घर से उन्होंने मांगा, और उसने चाहे कच्चा पक्का जैसा भी दिया और एक ही बार, बस उतना ही वो ग्रहण करते थे, उसके अलावा कुछ नहीं पूरे थे। अब ये सब जब देखा उनके वो जो 5 डिसाइपल्स थे, उन्होंने कहा अरे हम तो कुछ और ही समझ रहे थे इनको, कि ये तो हमको भी तार देंगे, हमें भी मुक्ति मिल जाएगी इनके इनके सानिध्य में रह के। तो उनको लगा नहीं ये तो मतलब सही नहीं है, हमें तो कहीं और ही जाना चाहिए, तो उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। ठीक है, अब जब साथ छोड़ दिया तो ये तो अपनी मस्त में अपनी उसमें थे, तो इन्होंने फिर जर्नी शुरू करी, फिर चीजों को समझना शुरू करा, मेडिटेशंस किए, लोग फॉलो करने लगे, बहुत बहुत उल्टा सीधा भी कहा कि इतने हष्ट पुष्ट हो तो भी क्यों मांगते हो, लेकिन उनका कॉलिंग कुछ और था। और इस चीज को उन्होंने मिडवे का, जो मैं आप लोगों को शुरू में बता रही थी ना कि मिडवे क्या होता है, मिडवे वही होता है जो आप स्पिरिचुअल ग्रोथ और अवेयरनेस को पाने के लिए के साथ साथ अपनी इस जो आपको जन्म मिला है उसको भी बैलेंस करते हो। उन्होंने वही काम किया और उसको उन्होंने मिडवे का, जब उनकी ये तपस्या होती रही, चलता रहा ये सब, तो ये सब करते करते उन्होंने उनको 35 ईयर्स लग, लेकिन उनको कुछ आंसर्स नहीं मिले। एक दिन, आप लोग सबको पता है बुद्ध पूर्णिमा आती है ना, मार्च अप्रैल के आसपास, ठीक है ना, उस पूर्णिमा के दिन जब वृषभ लग्न था, उस टाइम पे वृषभ लग्न ही चलता है तभी वो बुद्ध पूर्णिमा कही जाती है, पूर्णिमा के दिन रात को 12 बजे वो एक पेड़ के नीचे बैठ के अपनी साधना कर रहे थे, मेडिटेशंस कर रहे थे, पीपल का पेड़। अचानक से रात को 12 बजे एक दिव्य रोशनी आसमान से आती है और उनके क्राउन चक्रा में एंटर कर देती, और वो उनका एनलाइटमेंट पार्ट था, वो उनका एनलाइटमेंट पॉइंट था, ठीक है, जो हम भगवान बुद्ध को देखते हैं, उनके आसपास जो ऑरा देखते हैं, और वो पीपल के हमेशा वृक्ष के नीचे ही बैठा देखा देखे हैं, क्योंकि वहां पर उनको एनलाइटमेंट मिली थी 35 ईयर्स। अच्छा, इसके बीच में ना एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं बाद में डिटेल बताऊंगी, छोटा सा बता देती हूँ। यहाँ पर जब उन्होंने वो 29 ईयर्स टू 35 ईयर्स का जो उनका पीरियड था, उसमें बहुत सारी चीजें आई जो उनको डिस्टर्ब भी करती थी। जैसे आपने सुना ही होगा, जब भी कोई भी मेडिटेशंस करते हैं, साधनाएं करते हैं, किसी देवी देवी देवता की, भगवान की साधना करते हैं ना, कठोर तप जिसको कहा जाता है, तो क्या होता है, कोई ना कोई व्यवधान तो आता ही है ना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही हैं, कभी हवा भी होगी, बारिश भी होगी, कीड़े मकोड़े भी होंगे, सांप भी होंगे, बहुत सारी, ये तो सिर्फ जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, उनको हो सकता है भूख भी लगती हो, कुछ भी, कोई भी चीज, लेकिन उन सब चीजों को उन्होंने एक नाम दिया, उसका नाम है मारा। मारा मतलब वो डेमन जो आपको मोह माया में बांध के रखता है, जो आपके इनर सेल्फ को मारता है, उसको उन्होंने मारा नाम दिया। तो ये सब डेमन्स जो हैं हमारे आसपास ही होते हैं, हमारे अंदर होते हैं, जब आप इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हो, इस डेमन के आगे सरेंडर नहीं करते हो, तब जाके आपको एनलाइटमेंट मिलता है और सेल्फ अवेयरनेस मिलती है। तो इसीलिए उनको इतना टाइम लगा अपने अंदर की वो सब चीजों को दूर करने में। तो एट 35 ईयर्स ही गॉट द एनलाइटमेंट, कब, जब उन्होंने इस मारा के ऊपर कंट्रोल कर लिया। ओके चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद जब उनको एनलाइटमेंट हो गई, तो वो जो 5 डिसाइपल्स थे वो वापस भी आ जाता, ठीक है। तो देखिए, ये जो पेड़ के नीचे बैठे थे वो 49 डेज कंटिन्यूस बैठे थे, और तब जाके वो उनको एनलाइटमेंट हुई थी उस दिन, ठीक है। और तब उनको जितनी भी सफरिंग्स उन्होंने देखी थी ना, वो जो 4 पार्ट्स देखे थे, डेड बॉडी, बीमार, बूढ़ा आदमी और सन्यासी, और इन सब की जो सफरिंग्स थी, उनको एंड करने का एक ये कहना चाहिए कि उनको नॉलेज अपने आप आ गई थी। ओके,
और उनकी पूरी जो बॉडी थी वो रेडिएंट लाइट से भर गई थी। अब उन्होंने क्या कहा, देखिए नॉलेज आ गई, ये सब हुआ, लेकिन अब उन्होंने उसके ऊपर भी शोध किया। शोध मतलब उसकी और ज्यादा डीप नॉलेज लेने की के लिए आगे, और वो इंक्विस्टिक रहे। कैसे? उन्होंने पहले तो ये समझा कि दुख तो आता है, क्योंकि उन्होंने देखा भी था, है ना, दुख तो हर इंसान को है, क्योंकि जब वो सन्यासी बन गए और इस तरह से बैठते थे तो लोग अपना दुखड़ा तो रोने आते ही होंगे उनके पास, राइट, कि हमें ये हो गया, हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन उनको तरीके नहीं पता थे। फिर जब उन्होंने इसके ऊपर सोचा, उन्होंने शोध किए, तब उन्हें समझा कि दुख तो आएंगे, ठीक है। उन्होंने पहला उसका एक पाथ लिया, जो इनके हम कहते हैं कि बुद्धा की जो फिलॉसफी है वो चार ट्रुथ्स पे डिपेंड करती है, मतलब के ऊपर बेस करती है, ठीक है। सबसे पहला है दुख, कि द ट्रुथ ऑफ सफरिंग, कि आप एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे दुख है। कभी कभी लोग ना दूसरों को देख के भी बोलते हैं, जैसे अगर किसी ने, सपोज मैंने बोला कि मेरा ना आजकल ये बहुत हो रहा है, मतलब बहुत हो रहा है मेरे साथ ऐसे, ठीक है, या मेरा पेट बहुत दुख रहा है, या मेरे बॉडी एक्स हो रहे हैं, तो इमिजिएटली आप क्या करोगे, आप अपना सोचो कि अरे मुझे भी हो रहे हैं क्या, आता है ये थॉट? हाँ, अगर कोई किसी क्राइसिस से गुजर रहा हो, अगर वो आपसे शेयर करेगा, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, ये सोचते हो कि मैं भी तो इसी प्रॉब्लम से तो नहीं गुजर रहा। तो पहले तो अपनी प्रॉब्लम की सच्चाई को जानो, कि कहीं ऐसा तो नहीं आप सुनी सुनाई बातों पे ही अमल कर रहे हो, कि एक्चुअल में आपको दुख है या नहीं है, ये तो समझो, राइट। अब आपको जो दुख है, जो तकलीफ है, जो सफरिंग है, उसका ओरिजिन कहाँ से हो, उसका सोर्स क्या है, राइट। अगर डॉक्टर आपकी बीमारी को जानना चाहता है तो वो क्या करता है, टेस्ट करवाता है ना, क्यों करवाता है, वो उसके सोर्स पे जाना चाहता है कि ये प्रॉब्लम आपको आई कहाँ से, क्यों आई, यही होता है ना। तो ऐसे ही हमारी सफरिंग्स जितनी भी हैं, किसी भी लेवल की, उनके सोर्स पर जाना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब आप उसके सोर्स पर पहुंच गए, तो उन्होंने उसका उसको शब्द दिया समुदाय। अब तीसरी बात, तीसरा पाथ क्या है, निरोधा। अब ये जो सफरिंग है उसको अंत करने की सच्चाई, द ट्रुथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग, कि आपकी ये जो सफरिंग है ये खत्म होगी, इसको आपको रियलाइज करना पड़ेगा, आपको इसके ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सॉल्व होने के लिए आती है, याद रखिएगा, प्रॉब्लम के साथ ही सॉल्यूशन, ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के समान चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, है ना। अब उस सफरिंग को एंड करने का सही रास्ता कौन सा है जिसपे आपको चल, अगर ये आपको क्लैरिटीज आ जाए तो आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो ना आराम से। लेकिन सबसे पहला क्या है, कि पहले एक्चुअल में प्रॉब्लम है या नहीं है ये समझना, ठीक है। आई होप सो, ये चार पाथ जो है, नोबल ट्रुथ्स जो है, भगवान बुद्ध की फिलॉसफी पे जो बेस्ड है, ये आप लोगों को क्लियर हुई होगी, राइट। चलिए आगे बढ़े। अब ये हमें समझ कैसे आता, इसके रास्ते क्या है। चलो अभी ये तो पता चल गया कि भाई हमें प्रॉब्लम है ना, हमको इसको एंड भी करना है, इसका सोर्स भी पता चल गया, ओके। लेकिन ये प्रॉब्लम्स आती कहाँ से है, ये भी तो समझना जरूरी है। हमारे पांच सेंसेस होते हैं, राइट, हम चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, राइट, टेस्ट करते हैं और टच करते हैं। ये फीलिंग्स, हमारे पांच ये एलिमेंट्स होते हैं जो सेंसेस कही जाते हैं। कोई भी चीज हमारे अंदर इन पांच सेंसेस के थ्रू ही आती है, ठीक है। कोई सफरिंग आए, चाहे कोई हैप्पीनेस आए, किसी भी तरह का, खुशी हो, दुख हो, या कोई भी चीज हो, ये पांच सेंसेस के थ्रू ही आपके अंदर आएंगी, ठीक है। अब क्या होता है एक्चुअल में, ये कैसे हम सफरिंग्स पे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है।
अब ये क्या करती हैं, ये पांच जो सेंसरी हमारे जो सेंसेस होती हैं, ये पूरा डेटा स्टोर कर लेती हैं हमारे ब्रेन के अंदर, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड में कहते हैं ना, सेंसरी सब दिमाग में बैठ गया है, फिर वही हम सोच सोच के अपने आप को तकलीफ देते हैं हमारे साथ कुछ हुआ है तो, राइट? तो ये क्या होता है, इस तरह से जो पांच सेंसेस से जो हमने चीजों को लिया है, अक्यूमुलेट किया है, वो जाके हमारे दिमाग में बैठ जाती है। अब वो धीरे धीरे वो एक टाइम के बाद एक अनकॉन्शियस पॉइंट पर इतनी पहुंच जाती है कि आप उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करने लग जाते हो, अपने कर्म करने लग जाते हो, राइट? ऐसे ही करते हैं ना। अब क्या होता है, इन सब चीजों को जब ये आ जाती हैं, तब आप जजमेंट्स पास करने लगते हो, आपका एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है, होता है ना ऐसे, कि अब अगर मैं बोलूं कि आग में हाथ दो आप, या अग्नि है, कैंडल जल रहा है, दिया जल रहा है, ठीक है, जो बच्चा होगा जिसने पहली बार देखा है, अगर आप उसको बोलोगे हाथ देने के लिए तो वो दे दे, उसको नहीं पता। यहां से उसका सेंसरी डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, उसको ये पता चलता है कि ये आग है, इसको टच करने से जलता है, ये बिलीफ सिस्टम जो है वो उसके दिमाग में बैठ गया, वो अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस सब जगह चला गया, ठीक है ना। तो जब भी वो आग देखेगा तो वो डरेगा, क्योंकि उसको पता है जलता है और कैसे जलता है, वो उसको सेंस है। इसी तरह से सफरिंग्स भी होती है, ठीक है, जब तक जब हम उसको महसूस कर लेते हैं अपने अंदर, तो हमको पता होता है कि ये चीज से ये प्रॉब्लम होगी। जैसे कई लोगों के कुछ बिलीफ सिस्टम्स बन जाते हैं, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे रिलेशनशिप्स को लेकर हो, चाहे हेल्थ को लेकर हो। कई लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि भाई डायबिटीज तो हमारे खानदान में चली आ रही है, तो हमें तो होनी ही है। ये बिलीफ सिस्टम है कि नहीं है ये बताओ। आपका सोल अलग है, आपके लाइफ पर्पसेस अलग हैं, एंसेस्टर्स होते हैं, आई अग्री, लेकिन ये कहाँ लिखा है, ये क्यों, कैसा ट्रुथ है कि आपके दादा को, दादी को, या आपके नाना नानी में से किसी को है तो वो आपको होगा ही होगा। ये बहुत बड़ा एक बिलीफ सिस्टम चला आ रहा है पीढ़ियों से पीढ़ी, ठीक है। और फिर अब आजकल एक नई तकनीक शुरू हो गई है कि रिवर्स कर लो, तो जब ये पॉसिबल ही नहीं है, वो तो होना ही है, तो फिर रिवर्स कैसे कर लेते हो? इसका मतलब हमारा बिलीफ सिस्टम जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, जो हमारे दिमाग में चीजें बैठी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारा शरीर रिएक्ट कर रहा है, राइट? है ना, यही मतलब हुआ ना इसका। तो इन सब चीजों को दूर करना, बिलीफ सिस्टम को चेंज करना। अब यही जब चीजें समझ में आ जाती हैं, तो आप एक अलग ही एनर्जी लेवल पे आप चले जाते हो ये सब चीजों को हटाने के लिए। और वो जब एनर्जी लेवल आपको अटेन हो जाता है, वो समझ आ जाती है, वो इंटेलेक्ट प्राप्त हो जाता है, उसको हम कहते हैं बुद्धा नेचर, जहां पर आप अपनी चीजों को समझने लग जाते हो और उसको सॉल्व करने के लिए तरीके अपने आप आने लगते हैं आपको, वो आपका बुद्धा नेचर है। और हर इंसान एक बुद्धा है, एक बुद्ध है, सबके अंदर बुद्धि है। बुद्धि का जो एनलाइटमेंट पार्ट होता है, उसे हम बुद्धा कहते हैं, वो इंसान बुद्धा बन जाता है जब आपको ये सब चीजें समझ में आ जाती, ठीक है? फेयर इनफ, आई होप सो, इट्स ऑल क्लियर। ठीक है, चलिए। तो अब ये तो चीज हो गई, आप लोगों ने लामास को देखा होगा, है ना। अब लामास जो होते हैं, उनको आपने जनरली, ये जैसे मैंने लामा ये पहना हुआ है रोब, इस टाइप का आपने पहने देखा होगा, माला होती है हाथ में, वो पात्र होता है, ठीक है। बुद्ध को जो फॉलो करते हैं, उनकी जो फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, वो होते हैं लामास, ठीक है। अब ये लामास क्या होते हैं, इनमें हीलिंग पावर्स होती हैं, इनको बहुत मेडिटेशंस किए होते हैं, बहुत सारी चीजें इन्होंने सीखी होती है मठ में रहकर, तो उसके अकॉर्डिंगली वो हीलिंग्स करते हैं। और उनकी जो पाथ होता है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उन्होंने मिडवे नहीं लिया है, उन्होंने संन्यास वाला पाथ लिया है, तो वो उसी पाथ पे चलते हैं, उसी पथ पर चलते हैं, तो ऑब्वियसली उनके अलग नॉर्म्स होते हैं। लेकिन अब हम तो इस लाइफ में है, हमारी तो फैमिली है, हमें तो फैमिली लाइफ भी जीनी है और एक स्पिरिचुअल लाइफ भी जीनी है, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक मिडवे लेना पड़ेगा, हमें बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। तो उसमें हमें
श्री एस के सैनी जी ने हेल्प किया है। उन्होंने इस वो जो भगवान बुद्ध की जो पद्धति थी, जो उनका सिस्टम था हीलिंग का, उसमें से कुछ पद्धति लेकर, कुछ सिंबल्स लेकर एक मोडेलिटी बनाई, एक पद्धति बनाई जिसको हम कहते हैं लामा फेरा। ठीक है, तो इनका, इनकी भी एक छोटी सी स्टोरी है। इनका जन्म 1964 में हुआ था। 12 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था इसी पद पर आने के लिए। इनके भी कुछ क्वेश्चंस थे जो सॉल्व नहीं हो रहे थे कि इतना डिफिकल्ट पाथ क्यों। इनका जो मेन क्वेश्चन था वो ये था कि हमें अगर सफरिंग्स की हील करनी है, हमें दूसरों की मदद करनी है, तो हमें इतने हार्ड पाथ पर क्यों चलना? क्या कोई इजी वे नहीं है जहां पर हम हर चीज का एक बैलेंस मेंटेन कर सकें? राइट, तो इन्होंने बहुत शोध किए, इन्होंने बहुत जगह जगह जाके अपनी पढ़ाई करी, सन्यासियों के साथ रहे, लामास के साथ रहे, और इन्होंने एक पद्धति फॉर्म करी जो इन्होंने महर्षि शाल्विक के 450 जो सिंबल्स थे उसमें से सिर्फ और सिर्फ 12 सिंबल लिए, ठीक है, और उससे एक हीलिंग मोडेलिटी फॉर्म करी जो हमारे बीच आई 1998 में। दिल्ली के हैं ये, थे, अब ये इस दुनिया में है नहीं। तो इनकी जो पद्धति है वो बहुत सिंपल, इन्होंने उस हीलिंग फॉर्मेशन को, जो उनकी पद्धति थी, उसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों के सामने उन्होंने लाके खड़ा कर दिया है, जिससे हम बहुत इजीली, जितना भी अभी मैंने आप लोगों को चीजें बताई, सफरिंग्स हो चाहे किसी भी लेवल की हो, उनसे आप दूर कर हो सकते हैं इन 12 सिंबल्स के थ्रू, एक प्रोसेस में उसको ढाल के, एक कुछ मेडिटेशंस के थ्रू। ठीक है, तो इसको हम लामा फेरा कहते हैं। अभी फेरा क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। फेरा वो होता है जो हम जिस भी पेशेंट के या जिस भी क्लाइंट के आसपास एक फेरा लेते हैं, 2.5 सर्कल लेते हैं, ठीक है, उसको फेरा कहते हैं। तो लामाज जो होते हैं वो एक पद्धति हो गई, आप एक तरह से समझ लेते हैं, जो जो काम कर रहा है वो लामा है, और वो जो फेरा ले रहा है, ठीक है, वो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। सो ऐसे इसको हम लामा फेरा कहते हैं। ठीक है, दो उसका सिंपल है। अब लामा फेरा में क्या होता है, ये जो आप यहाँ सीखने वाले हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल्स दूंगी। लामा फेरा के 2 लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल में 6 सिंबल हैं, सेकेंड लेवल में 6 सिंबल हैं। फर्स्ट लेवल के बाद आप हीलर बन जाते हो, ठीक है, और सेकेंड लेवल के बाद आप टीचर बन जाते हो। अगर आप किसी को सिखाना चाहते हो तो भी आप सिखा सकते हो। ओके, इसमें अब इसके बाद हमने एक इंट्रोड्यूस किया है, एक और लेवल स्टार्ट किया है जो हमारा पर्सनल, मतलब उसमें बताया गया है, क्योंकि लामा फेरा सेकेंड लेवल में आपको वास्तु हीलिंग भी आता है, लेकिन बहुत शॉर्ट फॉर्म में है, कि जितना थोड़ा सा ही है वो। अब इसको एक वास्तु एडवांस एनर्जी हीलिंग के थ्रू कुछ टेक्निक्स मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें आप डिटेल्ड वास्तु कर सकते हैं। एंटिटी रिमूवल तो इसमें आ जाएगा आपका लेवल 2 में, लेकिन कुछ पद्धतियां ऐसी होती हैं जो आज भी हम लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है करनी। राइट, कुछ चीजें होती हैं, कुछ टोटके होते हैं जो करने होते हैं इसमें, तो वो भी नहीं हो पाते हैं, है ना। तो उसके लिए ही एक सिंपल वे एक बनाया गया है, जिसमें आप आराम से एंटिटीज को भी निकाल सकते हैं, आपकी वास्तु की कंप्लीट हीलिंग डीप में भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले वही है, सोर्स पता कर सकते हैं कि प्रॉब्लम है, वास्तु को स्कैन कर सकते हैं, अपने घर का, अपने लोगों का, डिस्टेंस वास्तु कर सकते हैं। डिस्टेंस हीलिंग भी इसमें आती है लामा फेरा में, कि किस तरह से आप यहाँ बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी क्लाइंट को आप लामा फेरा की हीलिंग दे सकते हैं, उसके घर की वास्तु हीलिंग कर सकते हैं, ब्लैक मैजिक, एंटिटीज, ये सब हटा सकते हैं। तो ये कंप्लीट एक पैकेज है 3 महीने का हमारा, जिसमें विद सिंबल्स आपको करना है ये 12 सिंबल्स के थ्रू। और भी कुछ सिंबल्स इंट्रोड्यूस होंगे 3rd मंथ में, जहां पर आप वास्तु हीलिंग के लिए वो यूज होंगे। ठीक है, आई होप सो यहां तक अभी सबको क्लियर हो गया है। दूसरी चीज ये है कि वास्तु हीलिंग क्यों, इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जा रहा है, जब हमें तो इंसान का ही देखना है ना।
उसी के कर्मों के ऊपर बात करनी है, ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज और कही थी, अगर आप लोगों को याद हो, कि हमारा एनवायरनमेंट जो होता है, हमें यहाँ मिडवे में रहना, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी तो हम पर इन्फ्लुएंस करता है ना। पांच तत्व हैं, पांचों तत्वों का बैलेंस भी बहुत जरूरी है। सिंबल्स के थ्रू भी हो जाता है, लेकिन वो हमारा अपने ऊपर होता है। लेकिन वास्तु में भी तो पांच तत्व आते हैं कि नहीं आते हैं, डायरेक्शंस आते हैं। तो बहुत सिंपल पद्धति ये यहाँ पर एक और लेकर आए हैं, जिसमें आप वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ एनर्जी हीलिंग्स करेंगे, जहां पर आपको प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं, आप अपनी एनर्जीज के थ्रू स्कैन कर पाएंगे प्रॉब्लम्स को, चाहे वो आपकी अपनी हो, चाहे घर की हो, चाहे घर के लोग जो हैं, ठीक है। कुछ चीजें वास्तु शास्त्र से ली गई हैं और कुछ आपके अपनी एनर्जीज के थ्रू जो होती है, स्पिरिचुअल एनर्जीज के थ्रू इन्वोकेशंस हैं, जहां पर आप इन चीजों को बहुत इजीली कर पाएंगे, एक ही जगह पर बैठ के, घूमने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा, आपके अपने अंदर आप काम करोगे, है ना। लामा फेरा की हीलिंग्स आप जब करेंगे, अपने अंदर बैलेंसिंग लेकर आएंगे, और साथ में अपने वास्तु जहां पर आप रह रहे हो, जहां आप काम करते हो, चाहे ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, कहीं भी हो, ठीक है, वहां का भी अगर वास्तु बैलेंस हो, तो अब आप खुद सोचिए कि आपकी लाइफ किस लेवल पे चली जाएगी, है ना। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज आप लोगों के लिए आ रही है सामने। और इसमें फ्रिक्वेंसी बस एक ही है, जिन लोगों ने लामा फेरा फर्स्ट और सेकंड लेवल किया है, वही इस एडवांस वास्तु को ले सकते हैं, या जो पहली बार लामा फेरा कर रहे हैं, तो वो पूरे 3 महीने का कोर्स होगा ये। तो आप लामा फेरा फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और एडवांस वास्तु, तीनों एक साथ एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी लामा फेरा स्टूडेंट्स हैं, वो सिर्फ लास्ट वाला भी ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब वास्तु के साथ साथ हमें इसमें क्या क्या मिलेगा, बेनिफिट्स क्या है, ये भी तो जानने जरूरी है हमें। चलिए, उससे पहले मैं आपको कंप्लीट बेनिफिट्स जो है लामा फेरा हीलिंग और वास्तु हीलिंग का, जो कोर्स होगा उसमें क्या क्या आप लोग सीखोगे, ये सब मैं आपको बता देती हूँ। आर यू ऑल रेडी? चलिए, सबसे पहले तो कोर्स कंटेंट में इंट्रोडक्शन है, लामा फेरा जो मैंने आपको शॉर्ट में दिया है और थोड़ा डिटेल में रहेगा, हिस्ट्री एंड लीनिएज ऑफ बुद्धा, उनकी इमर्जेस, जो वो कैसे आए हैं, क्या है उनका पूरा टोटल व्हील ऑफ लाइफ क्या होता है, एंड हाउ इट अफेक्ट्स यू, आपकी लाइफ में वो कैसे इफेक्ट करता है, कैसे स्कैन करना है प्रॉब्लम को, आपकी एनर्जीज को कैसे स्कैन करना है, आपके ऑरा और चक्रा को किस तरह से देखना है आपको, कैसे कोई आपके पास कोई क्लाइंट आया है, ठीक है, अब वो अपनी प्रॉब्लम बोल रहा है, वो कौन सी प्रॉब्लम बोलेगा जो उसको समझ आ रही, लेकिन एज अ हीलर आपको पता होना चाहिए ना कि उस प्रॉब्लम का सोर्स क्या है, क्योंकि हम तो लामा फेरा में यही सीखने वाले हैं कि हम सोर्स पर जाके काम करें, राइट। फिर कुछ पैरामीटर्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर्स जो आप लोग आगे सिखाओगे उन सब के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो आपको बताए जाएंगे। लामा फेरा लेवल फर्स्ट के जो हीलर लेवल के सिंबल्स हैं 6, वो आपको सिखाए जाएंगे, किस तरह से बनाना है, उसका प्रोसेस क्या है, उनको यूज करने का प्रोसेस क्या है। फिर उसके बाद अट्यूनमेंट होगा, लामा फेरा फर्स्ट लेवल में 1 अट्यूनमेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लामा फेरा सेकेंड लेवल, जहां पर आप टीचर बनते हो, वहां पर भी 6 सिंबल हैं, लेकिन यहाँ पर 2 अट्यूनमेंट्स हैं, तो ओवरऑल लामा फेरा फर्स्ट और सेकेंड लेवल में 3 अट्यूनमेंट्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद आप, ये हो गया, उसके बाद आपको जो अट्यूनमेंट्स हैं वो, उसके टाइम आप बुक करेंगे, वो हम क्लास में बताएंगे किस तरह से हमको उसको, उस प्रोसेस को फॉलो करना। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, क्रिस्टल्स भी आते हैं। फर्स्ट लेवल में आप ऑरा और चक्रा पूरा कंप्लीट सीखेंगे, इसके साथ लामा फेरा कैसे यूज करना है। उसके बाद सेकेंड लेवल में क्रिस्टल्स आएगा, कि क्रिस्टल्स के थ्रू आप कैसे हीलिंग्स कर सकते हैं लामा फेरा पद्धति को इन्वॉल्व करके, ओके। उसके बाद ब्लैक मैजिक कैसे रिमूव करना है,
नेगेटिव या नेगेटिविटी हाउस हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, या कोई लैंड एनर्जी हो, उसमें से आपको किस तरह से सारी नेगेटिविटीज को हटाना है, ठीक है, थ्रू लामा फेरा। ये कंप्लीट मोडालिटी लामा फेरा के थ्रू ही जाएगी। उसके बाद आपके 21 डेज का मैं मिनिमम गाइडेड मेडिटेशन देती हूँ, जिसमें लेवल 1 में 21 डेज और सेकेंड लेवल में भी आप 21 डेज करेंगे। नहीं हो तो कम से कम 11 दिन तो आई प्रेफर कि आप करें, क्योंकि वो एक प्यूरिफिकेशन मेथड होता है, जहां पर आपकी एनर्जीज और जो सिंबल्स हैं उनकी एनर्जीज और जो स्पिरिचुअल एनर्जीज है, तो होती हैं, वो अलाइन हो जाती हैं, तो आप बहुत जल्दी हीलिंग इफेक्ट्स आते हैं उससे। आप किसी को भी हील करोगे तो बहुत जल्दी इफेक्ट्स आएंगे। अब उसके बाद लामा फेरा वास्तु हीलिंग जो है, उसमें क्या क्या चीजें मैं कवर करने वाली हूँ वो बता देती हूँ। उसमें आपको वास्तु क्या होता है बेसिकली, और वो कैसे आपकी लाइफ पे इफेक्ट करेगा, वो उसका थोड़ा सा डिटेल आएगा। एलिमेंट्स, प्लैनेट्स और कलर्स, स्कैनिंग, जितने भी वास्तु डिफेक्ट्स हैं उनको स्कैन कैसे करना है, किस तरह की हीलिंग्स होंगी उनके ऊपर, वो आपको बताई जाएंगी। हीलिंग थ्रू सिंबल्स, जो वास्तु हीलिंग का जो एडवांस है, ये किस तरह से सिंबल्स के थ्रू आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। फिर और जो भी पूरी जितनी भी आपकी ये है, जितनी भी एनर्जीज के थ्रू ही होगा ये सिंबल्स एंड एनर्जीज, ठीक है, यू डोंट हैव टू यूज एनी प्रोडक्ट इन इट, और उससे आप ब्लैक मैजिक जो है वो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, इसमें एक किट यूज होती है जो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, जिसमें भगवान बुद्ध का एक यंत्र होता है, एक माला होती है जो मैंने पहनी हुई है, एक मरून रोब होता है, 4 स्टिक्स होती हैं जो यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है, और एक वैंड होता है जिसके थ्रू आप हीलिंग करते हैं। उसके अंदर क्लियर क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स होते हैं जिसको एनर्जाइज करके आप हीलिंग करते हो। तो ये लामा फेरा की जो थेरेपी है, जो पूरी पद्धति है, ये नॉन टच थेरेपी है। इसमें आपको किसी को टच नहीं करना है, और ये जो भी होती है आपके ऑरा के बाहर होती है, जो पेशेंट होता है ना उसको भी टच नहीं करना है। इवन हम ये भी बोलते हैं कि आप उसके ऑरा के अंदर भी एंटर मत करो, उसके ऑरा के बाहर ही आपको सारा काम करना। ओके, सो यहाँ सिर्फ आपको एक माध्यम बनना होता है, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा सा आप लोगों को टाइम देते हैं, कुछ कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछें, किसी को अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो, एनी क्वेश्चंस? मैम हाँ जी, नमस्ते मैम। नाम लिखिएगा और अगर हो सके तो वीडियो खोलिएगा प्लीज। मैम मैं पूछ रही थी कि हाँ जी हाँ बोलिए। मैं पूछ रही थी, ये जो इक्विपमेंट आपने बताए तो ये हम लोग का कंपलसरी रहता है इसको? देखिए लामा फेरा में होता तो कंपलसरी ही है एक तरह से ये, क्योंकि इसमें ये नॉन टच थेरेपी है, ठीक है। नॉन टच थेरेपी में क्या होता है, यू नीड समथिंग टू अलाइन द एनर्जीज, क्योंकि आप एक माध्यम बनने वाले हो, तो अब आपको जब दूसरे को देनी है तो सब चीजें आप ये 2 उंगलियों से या हाथ से एनर्जीज बहुत सारी नहीं दे पाते, साथ में उसकी क्लेंजिंग भी बहुत जरूरी होती है। क्योंकि जब हम, आप देखिए समझिए इस चीज को, जब भी आप किसी की नेगेटिविटी निकालोगे, ठीक है, तो वो उसी से रिटर्न होती है। जब आप किसी गड्ढे में, अगर आप भरा हुआ है ना, आप उसके अंदर धारा से अगर कोई पानी डालोगे तो उसके अंदर का जो पानी है ऑलरेडी वो स्प्लैश होगा बाहर, ठीक है, वो कहाँ जाएगा? तो इमिजिएटली उसको जो इजी वे आउट मिलता है वो आसपास की चीजें होती हैं। जब हम इस वैन को यूज करते हैं, इसमें ऑलरेडी क्लियर कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो जब हम इसको यूज करते हैं तो अगर नेगेटिविटी अगर निकल भी रही है या जो भी होती है, वो उसी वैन में जाती है, वो क्लियर होती जाती है इमिजिएटली। और उसके प्रोसेस भी साथ साथ आपको सिखाते हैं कि कैसे इस नेगेटिव एनर्जीज को मैनेज भी करना है आप इमिजिएटली। वो पहले ही इंटेंशंस दी जाती है, उसकी इन्वोकेशंस होती अच्छा, तो है, ठीक है। ये एकेडमी मतलब कैसे हम लोग अरेंज कैसे करेंगे फिर? करेगी ना आपके लिए, आपको क्या करना है, आपको तो सिर्फ सीखना है यहाँ आके, बाकी सब हम करेंगे, डोंट वरी। अच्छा जी, आप बस कंसिस्टेंसी रखिए और सीखिए, शिद्दत से सीखिए,
मन लगा के सीखिए, और इतनी गारंटी तो मैं दूंगी मिरेकल्स तो होंगे। यहाँ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, वो भी बता पाएंगे कितने कितने मिरेकल्स हुए हैं लामा फेरा के थ्रू लोगों की लाइफ में, और लोगों अपनी लाइफ में तो हुए हैं, दूसरों की लाइफ में भी आप कर सकते हो। इट्स ब्यूटिफुल तो मोडालिटी। डिस्टेंस के लिए मैम ये और कैसे करता है? मतलब जैसे मैं रेकी हीलिंग करती हूँ, तो डिस्टेंस के लिए लामा फेरा कैसे वर्क करता है? क्योंकि होता है ना आप जैसे उसमें बताए कि आप बताए सब ना, उसमें फेरा होता है कि मतलब वो चक्कर लेना सिखाएंगे, होता है। सब सिखाएंगे आपको। इवन वास्तु हीलिंग आप डिस्टेंस में कर पाओगे, किसी के भी घर की, फैक्ट्री की, कहीं की भी, अच्छा, आपको ओके जाने की भी जरूरत नहीं है। ओके मैम, इससे अच्छा और क्या, घर बैठे सब हो जाएगा, है ना? ओके। हाँ जी, चलिए, हाँ जी कहिए जी, कहिए। थैंक आई यू। होप, थैंक यू अल्फा जी। हाँ कहिए। एक्सक्यूज मी मैम, आत्म नमस्ते मैम। दिव्यांशी, इफ यू डोंट माइंड जस्ट 1 मिनट दीजिए, वो पहले उनका हाथ ऊपर है, सो आई आस्क हर। थैंक हाँ यू। जी, हाँ जी बोले। आई कांट हियर यू, आपका अनम्यूटेड है लेकिन आवाज नहीं आ रहा है, बहुत स्लो है, बहुत लाइट आवाज है। एक मिनट मैम, आप उनका क्वेश्चन ले लो। हाँ ठीक है, तब तक आप अपना ये माइक और ये सेट कर लीजिए। हाँ देवयानशी जी बोलिए। आत्म नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते जी। मैम, तो ये जो कोर्स होगा ये सिर्फ एडवांस होगा इसमें, या लामा फेरा के दोनों, लेवल 1 लेवल 2 भी हो गए? लामा फेरा लेवल 1 लेवल 2 दोनों हैं, और 3rd मंथ में एडवांस है वास्तु का। ओके। और जैसे हम लोगों ने किया हुआ है 11 और लेवल 2, तो आप फिर सिर्फ 3rd मंथ ऑप्ट कर सकते हो, ये हम आपको ये फैसिलिटी दे रहे। ओके। तो फिर आप हमें 3rd मंथ से, मतलब अगर मैं करना, मेरे को जैसे थर्ड मतलब एडवांस करना है, तो फिर तो मतलब तब से आप मेरे को फिर मैसेज आएंगे कि क्लास करनी है? आपको उनको बताना पड़ेगा, एकेडमी में रजिस्टर पहले ही कर लीजिए हाँ कि जी हमें, मैम, हाँ 3rd मंथ है हमारा, ये हो गया है, आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं आप लोगों के, है ना? हाँ जी मैम। तो मैम क्या चार्जेस होंगे खाली एडवांस के? मैं बता रही हूँ, अभी सब आ रहे हैं, जस्ट ठीक है वेट मैम, फॉर द ओके। एनर्जी एक्सचेंज। हाँ जी अभी बोले। मैम शलाई, हाँ, श्योर, अब आपका गुड क्लियर एंड इवनिंग मैम। क्रिस्पी। हाँ जी नमस्ते बोले। मैम एक्चुअली मैं ना रेकी लेवल 1 अभी कर रही हूँ, तो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है रेकी लेवल 1। सो माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेकी एंड लामा फेरा? ओके, थैंक यू फॉर आस्किंग। ओके देखिए, रेकी में आप क्या करते हो, अभी आप लेवल 1 कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा ही, है ना, कहाँ तक यस पहुंचे मैम, मैं जानती नहीं हूँ। रेकी में आप क्या करते हो, जो सिंबल्स होते हैं, जो मेन सिंबल्स होते हैं, अभी आप 3 या 4 सिंबल ही सीख रहे हो ना, उसको आप नहीं क्या मैम, करते एक हो? ही लेवल 1 में ना हम लोगों का वो सिंबल्स अभी नहीं है, वी आर ओनली अभी नहीं लर्निंग हाउ है। टू बैलेंस द चक्रास एंड ऑरा क्लीनिंग एंड ऑल दिस थिंग्स एंड द थ्योरी ओके पार्ट। मैम, देखिए बाद में ओके सेल्फ हीलिंग होती है। हाँ जी मुझे पता है, मैं जो पूछ रही हूँ ना उनको कि वो किस लेवल पे पहुंची है, अभी पता तो चले, सो आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन हर मोर प्रॉपरली। ओके, उसमें क्या होता है, आप हाथ के ऊपर अपना सिंबल बनाते हो, एनर्जी इन्वोक करते हो और देते हो, राइट? ऐसे ही करते हो। अपनी जो सेल्फ हीलिंग होती है उसमें भी क्या करते हो, सिंबल्स बनाया एंड देन यू टच योर सेल्फ, पूरे पॉइंट्स के ऊपर आप ये सब काम करते हो, राइट? लामा फेरा में ऐसा कुछ भी नहीं। लामा फेरा में आपको जो भी क्लाइंट है या पेशेंट है उसके ऊपर, 1 मिनट दीजिए मैं आपको स्टिक दिखाती हूँ, उससे आपको क्लियर होगा ज्यादा। देखिए इसको हम वैंड बोलते हैं हमारा, ठीक है? ओके, इसके अंदर क्रिस्टल्स भरे हुए हैं क्लियर क्वार्ट्ज के, इसको आपको पकड़ना होता है और इसके थ्रू वो सिंबल्स पेशेंट के ऊपर डायरेक्ट ड्रॉ करने होते हैं। ओके और सेल्फ हीलिंग में भी यू डोंट हैव टू टच योर सेल्फ, जिस तरह से डिस्टेंस होता है उसी तरह से आपको सेल्फ हीलिंग भी करनी होती है इसमें। ओके, ऑलराइट, तो इसमें ये नॉन टच थेरेपी है, टोटली नॉन टच थेरेपी है, इवन वास्तु में भी और आपकी सेल्फ में भी हीलिंग हो, चाहे पेशेंट की हो चाहे आपकी खुद की हो, ठीक ठीक है है? मैम, आई होप थैंक सो, यू। इट्स क्लियर नाउ? यस मैम, चलिए ग्रेट। और किसी को कुछ क्वेश्चन?
तो चलिए मैं आपको आगे बता देती हूँ फिर। ये कोर्स 25 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है, 3 महीने का कोर्स है। क्लास के टाइमिंग्स, ओ सॉरी हाँ, ये हमारा एज यूजुअल टाइमिंग सभी को पता है ना? यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं ठीक कर देती हूँ। ट्यूसडे एंड थर्सडे, ठीक है। तो ये जो है हमारी क्लासेस होंगी, वीक में 2 दिन होती हैं, ट्यूसडे एंड थर्सडे, शाम को 5:30 बजे, जैसे आज आप लोग आए हो उसी तरह से। 24+ क्लासेस होंगी, सारे लाइव सेशंस होंगे जूम पे, और 2 साल की आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। इसमें डाउट क्लियरिंग सेशन भी अलग से हम लेते हैं अगर जरूरत होती है तो। प्रैक्टिकल केस स्टडीज ऐसी होती हैं कि जैसे अगर आप लोगों जो ऑलरेडी किए हुए हैं वो आते हैं, वो अपनी शेयरिंग करते हैं, या मैं भी आप लोगों को बताती हूँ कि इससे इस सिंबल से ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती है, ठीक है। और मेंबरशिप मिलती है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको एकेडमी की मेंबरशिप मिलती है, और उसके आगे जो एकेडमी के बेनिफिट्स होते हैं वो आप लोगों को मिलते हैं। कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा लेवल का, और आपके सर्टिफिकेट में टीचर भी आ जाता है कि हाँ यू आर नाउ अ टीचर, यू कैन टीच, ठीक है। फिर आपको एक फैसिलिटी और दी जाती है कि आप एक बार लामा फेरा रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपने कर लिया, आपने सीख लिया, सब कर लिया, हीलिंग्स कर ली, लेकिन अब आपको ऐसा हो रहा है नहीं मुझे तो वापस से थ्योरी एक बार फिर से समझनी है, या लाइव क्लास दोबारा से ज्वाइन करनी है, तो वहां पर आपको एक रिपीट फ्री मिलता है, लेकिन उसमें आपको अट्यूनमेंट नहीं दिया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आपको दिया जा चुका है, ठीक है। पीडीएफ्स नहीं दिए जाएंगे क्योंकि दिए जा चुके हैं। सिद्धिकरण नहीं दिया जाएगा क्योंकि दिए जा चुके होते हैं। यू कैन जस्ट अटेंड अ लाइव क्लास, ठीक है, टाइमिंग्स के अकॉर्डिंगली। आपको स्टडी नोट्स पीडीएफ्स मिलेंगे, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, और अट्यूनमेंट्स प्लस सिद्धिकरण का ऑडियो मिलेगा, ओके। अब आती है बात फी स्ट्रक्चर पर, ओके। तो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो एक्चुअल कोर्स है ये 21,000 का है, जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए 10,500 का है 3 महीने का, और जो ओल्ड पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं एकेडमी के, उनके लिए मात्र 8,400 का ये कंप्लीट लामा फेरा 3 महीने का कोर्स है, ठीक है। और जो थर्ड मंथ का होगा वो उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली होगा, थर्ड मंथ का। इज इट क्लियर? और जब एक बार जो न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक बार एनरोल कर लेते हैं हमारे कोर्स में, तो उसके बाद आप जब एकेडमी के मेंबर बन जाते हो तो आपको भी इस टाइप के डिस्काउंट्स अवेल हो जाते हैं, जैसे 10,500 की जगह आपको सिर्फ 8,400 ही पे करना पड़ेगा, राइट। तो बेनिफिट्स तो होते हैं एकेडमी ज्वाइन करने के, बट न्यू पार्टिसिपेंट्स को मेंबरशिप भी रहता है, तो उसके लिए वी हैव दिस ऑफर, ओके। I have a question. नाम बताएंगे प्लीज। Ma'am Nupur, I have a question. बिल्कुल, हाँ जी बोलिए। I have done this Lama Fera first session of the six symbols I know. So, ओके but I want to continue. मतलब I haven't done the second this thing and all. But I want to, and I'm already a member of the academy. But I haven't done ओके it from फाइन। the academy. I have done it from a friend of mine. So now, how देखिए can I go about to do the second उसके लिए, and हाँ the मैं third? आपको एक चीज इसमें बताऊंगी, सब टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, समझाने का तरीका अलग होता है, ठीक है। सिर्फ अभी ऐसे तो मैं, अगर आप पीडीएफ लोगे तो आपने पढ़ लिया और सीख गए, ऐसा हो गया है ना, अट्यूनमेंट मिली है, किसने क्या है, हर गुरु अलग होता है। तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप लेवल 1 से दोबारा से देखें, क्योंकि वो कंटिन्यूटी एक अलग होती है। जो मेरा एक गाइडेड मेडिटेशन है जो सिद्धिकरण का है, वो मेरी वॉइस में ही मिलेगा आपको। अब आपने किस तरह से उसको सीखा है ये मैं नहीं जानती, लेकिन जो मेरी पद्धति है, जो मैंने मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, राइट। तो प्रेफरेंट यही है कि आप इसको कर लें दोबारा से, बहुत ज्यादा प्राइस कॉस्ट है नहीं उसकी, अगर आप उसको करेंगे डिवाइड तो भी, ठीक है। 3 महीने में इट्स अ पीनट अमाउंट, ओके
Actually, I have the timings also, like it's 5:30 and 5. I'm working, so I won't be able to. So I'll get the recordings and I can watch the recordings. हाँ, रिकॉर्डिंग सबको मिलेगा, नेक्स्ट डे ही मिल जाता है मोस्ट प्रोबेबली. तो अगर आपका बाय चांस कोई क्लास हाँ हुआ है, सो यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, आप उसको कर लो. कुछ क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, नहीं तो आप मुझे मतलब मैं हमेशा ग्रुप में रहती ही हूँ, तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उसमें भी, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में अपनी क्वेरी सॉल्व कर लीजिए. ओके, थैंक यू. ओके, थैंक यू. हाँ, अल्फा जी बोले. ओके जी. मैम, इसमें जो वास्तु वाला पोर्शन आपने बताया कि ये लामा फेरा के रिलेटेड ही रहेगा या फिर वास्तु का कैसे? अच्छा, नहीं, लामा फेरा रिलेटेड, क्योंकि लामा फेरा सेकेंड लेवल जो टीचर लेवल है उसमें वास्तु आता है, ठीक है, ओके. हाँ बट वो बहुत जी. बेसिक लेवल में आता है. तो बहुत सारे तो स्टूडेंट्स लामा फेरा सेकेंड लेवल के जो हैं उनको एक बस हल्का सा कर दिया, हो गया उतना ही है, लेकिन इसको डीप में समझना और चीजों को किस तरह से एनर्जी वाइज उसको यूज करके डीप क्लेंजिंग करना, वास्तु का जो भी डिफेक्ट्स है उनको क्लीन करना, वो सीखना बहुत जरूरी है, तब जाके ये कंप्लीट होता है ना. अच्छा, तो ये वाले कोर्स में आप ये इसका एडवांस वर्जन जो भी वास्तु का लामा फेरा के साथ जो आता है वो वाला आप सिखाने वाले हैं? हाँ जी, वो आएगा 3rd मंथ. अच्छा, ओके मैम. ओके, थैंक यू मैम. अंडरस्टैंड. ये सब आप क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर सब नंबर्स भी दिए हुए हैं, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं. तो शुड आई रिमूव इट, और किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं वास्तु के रिलेटेड या लामा फेरा के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं. नो वन, नो क्वेश्चंस, सबको अच्छे से समझ में आ गया. दैट्स ग्रेट. नहीं जी, किट अलग से, किट अलग से आपको परचेज करनी पड़ेगी, वो आप एकेडमी में बोलेंगे तो वहां से आपको पूरी कंप्लीट किट आ जाएगी. आपको एकेडमी में जब आप ज्वाइन करोगे ना, कोर्स ज्वाइन करोगे, तभी आप उनको लिखवा दो कि हमें किट चाहिए, आप अपना एड्रेस दे दो, ठीक है, और वहीं से फिर वो आपको भेज देंगे किट. It is included in the course. नो नो नो, इट इज नॉट इंक्लूडेड. Oh, it's got separate charges. हाँ जी, सेपरेट है ये, आपको जो कोर्स का है ये कंप्लीट कोर्स का ही चार्ज बताया है अभी मैंने, 8,400, सॉरी 8,600 और 10,500. ओके, एनी क्वेश्चंस, या आप कुछ बोलना चाहते हैं कोई, या कोई स्टूडेंट कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर इट, योर एक्सपीरियंसेस एज वेल. चलिए, दैट्स ग्रेट, थैंक यू अल्फा, थैंक यू. चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं. आई होप सो टू सी यू ऑल इन द कोर्स. और अधिक जानकारी चाहते हैं लामा फेरा के बारे में, इसकी सीखिए, मोडेलिटी सीखिए, लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं, खुद एक्सपीरियंस किए हैं और लोगों ने भी एक्सपीरियंस किए हैं, है ना. चलिए देन, आप सबको नमस्ते, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. आपको नमस्ते मैम. जसपाल जी, अगर आपने किया है दोनों लेवल 1 लेवल 2, तभी आप 3rd लेवल ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में है. सिंबल्स आपको लामा फेरा 1st और 2nd लेवल के दोनों केस में यूज होंगे, तो वो सिंबल्स आपको सीखने जरूरी है, ठीक है.
थैंक यू, थैंक यू मैम. थैंक यू.